बदली कंगना, जब जिंदा थी तब भी तुम्हारी सोच काली थी और मरने के बाद भी तुम्हारी इच्छाएं काली ही रही। मैंने जो कुछ भी किया उसकी वजह से प्यार था। प्यार नहीं था वो, तो केवल वासना थी कंगना। अरे प्यार पाया जाता है कंगना, छीना नहीं। मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, मैंने प्यार किया है तो सिर्फ श्री श्री से। अपने काले जादू के घमंड में तो ये भूल गई थी कि अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, सूरज की किरणें उसे तोड़ ही देती। मैं कहती हूँ रुक, झुकना तो अब तुझे होगा कंगना। ये भूल गई थी कि तू किसी के शरीर पे कब्जा कर सकती है लेकिन किसी की अंतरात्मा पर नहीं, और उसका सबूत है वो तमाचा जो इन्होंने तेरे मुंह पे मारा। ये कंगना, हमें माफ कर दो। नहीं बड़ी बा, ये आप क्या कह रही हैं? हम सब तुम्हारे एहसान बंदे बेटा। पत्नी का एक बहू का फर्ज निभाया है तो ऐसे करके मैंने किसी पर भी कोई एहसान नहीं किया। श्री, ये समय बात करने का नहीं है। आज बैसाख पूर्णिमा की रात है और आज रात खत्म होने तक हम सबकी जिंदगी खतरे में है। गंगा जल ने इसके कदम तो रोक लिए लेकिन खबर नहीं कितने समय तक। श्री बचाओ, बचाओ! ये तो अनंत भैया और डैनी भैया की आवाज है। अनंत, लगता है वो दोनों मुसीबत में। अनंत भाई, अरे कोई है? अनंत, अनंत भैया, अनंत, डैनी भैया कहाँ हैं आप? हरी, हम यहाँ हैं, बचाओ। अनंत भैया आप मुझे सुन सकते हैं? हरी, हरी हमें बचाओ यहाँ से। मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ कंगना कर रही है। अरे हाँ, हमें जल्दी जाके देखना चाहिए कि कहीं कंगना उस गंगा जल के बंधन से आजाद तो नहीं हो गए। चलो, परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तो मेरे परिवार का पीछा छोड़ क्यों नहीं देती तुम? छोड़ दो मेरे परिवार को। अगर तू अपने परिवार वालों को बचाना चाहती है श्री, तो तुझे मेरे साथ एक सौदा करना होगा। कैसा सौदा? वो जानने के लिए तुझे मेरे पास आना पड़ेगा, और वो भी अकेले। अब हरी श्री का साथ कभी नहीं छोड़ेगा कंगना। तो ठीक है, भुगतना अपनी जर का फल। मैं तुम्हारे साथ अकेले उस कमरे में आने को तैयार हूँ कंगना। शाबाश श्री, शाबाश।